फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। तेरे कातिल जिंदा है बहन, हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है मनीषा, हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल जिंदा है को फांसी दो, फांसी दो। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी सर, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कहना है, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार राय है, मुझे लोग राय साहब अशोक कुमार के नाम से पुकारते हैं। अशोक जी, आप जंतर मंतर पर आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण ये है कि एक बड़ा हत्या हुई है, बलात्कार हुआ, हत्या हुआ, और वो भी वाल्मीकि समाज की, वाल्मीकि वीर सेना, इसके लिए हमेशा जो जब कभी भी हुआ, मिर्चपुर में भी हुआ, हम वहाँ गए, हमने क्या नाम गोहाना में गए, जहाँ वाल्मीकि समाज पे मतलब एक अत्याचार होता है वहाँ पहुँचते हैं। हमें बड़ा, हम तो जाना चाहते थे हाथरस, हमारी तैयारी थी, लेकिन हमें पता कि वहाँ किस तरीके से होगा जा रहा है, किस तरीके से हमें वो नहीं, हमने इसलिए जंतर मंतर पे अपना मैसेज दे रहे हैं जी। तो सर क्या चाहते हैं आप यूपी सरकार से, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यूपी सरकार जो है रिजाइन करे, इस्तीफा करे। उसके टाइम पे दलितों पे बहुत अत्याचार होते रहे हैं, और ये सबसे बड़ा अत्याचार हुआ कि एक लड़की को एकदम उसके साथ बलात्कार किया और उसको हत्या कर दी। ऐसी मतलब कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको। तो सर क्या इस्तीफा देने से खाली काम चल जाएगा? बिल्कुल, इस्तीफा देने से काम ये चलेगा कि जो पावरफुल लॉबी है, ठाकुरों की जो पावर लॉबी है, वो जो है ना उनको डाउन हो जाएगी, उनको पता लग जाएगा कि आज हम कहीं स्टैंड नहीं करते आप, और इसलिए जो है ना इस्तीफे इसका इलाज नहीं है। तो इसके अलावा वाल्मीकि सेना जो है सर, वाल्मीकि वीर सेना, क्या प्रदेश सरकार से कभी कोई बात करने की कोशिश करी है? अभी तक नहीं करे, अब हम करेंगे, अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि हमें वहाँ पे पता है कि किस चीज़ से रोका जा रहा है, बड़े बड़े नेता को रोका जा रहा है, लेकिन वाल्मीकि से वीर सेना वहाँ जाएगी, अवश्य जाएगी, और उस पीड़ित परिवार से बात करेगी, और हम योगी के खिलाफ जो है ना एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और कोशिश करेंगे एक उंगली से हम उसको जो है ना सत्ता से डाउन कर देंगे, एक उंगली से सत्ता। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है जी। मैं पीस पार्टी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी। और राय साहब अशोक कुमार ने हमें बताया कि भाई वीर सेना यहाँ जो है वाल्मीकि वीर सेना जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इन्होंने कहा कि भाई हम सब साथ मिलकर करें, हमने आकर के इनका समर्थन कराया पूरी तरीके से। बहन मनीषा जो हमारी, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, उसकी हम बहुत मजम्मत करते हैं, और योगी सरकार को कहते हैं कि उनके योगी सरकार के खिलाफ कठोर से कठोर, क्योंकि सरकार नहीं करवाया ये काम और सरकार ने काम करवाया, इसलिए उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और जी विजय जी, आप जंतर मंतर पर आए हैं, हाथरस को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आपका क्या कहना है? सेक्रेटरी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वाल्मीकि कम्युनिटी, आज हमारी वाल्मीकि वीर सेना और तमाम वाल्मीकि संगठनों ने राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम दिया है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, योगी जी को, ये हमारा जो राष्ट्रपति को भी दिया है और गृह मंत्री को, हमने जो है राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री उसको बर्खास्त किया जाए, वहाँ के डीएम को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जो है सरकार की डायरेक्शन के बिना जो डीएम जो है कुछ नहीं कर सकता, और डीएम को जो डायरेक्शन दी गई, सरकार ने डायरेक्शन दी, उसको कॉन्फ्रेंसी का केस लगाया जाए डीएम पे, एसपी के खिलाफ मुकदमा एट्रोसिटी एक्ट लगाया जाए, एसपी और डीएम के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है सबूत मिटाए हैं, एट्रोसिटी एक्ट बनता है, डीएम के खिलाफ हत्या का मुकदमा बनता है। इसलिए अखिल भारतीय सभाई मजदूर कांग्रेस, वाल्मीकि वीर सेना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वाल्मीकि कम्युनिटी ये मांग करती है कि वहाँ जो जातिवाद की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खुद जातिवाद की बात करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि हम जातिवाद फैला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है, आपने टीवी में देखा है, अपना अखबार में देखा है कि जो है ठाकुरों का खून जो है गर्म होता है और इसलिए गलती हो जाती है। जो बहन मनीषा जी के साथ हुआ है, हम उनकी बड़ी निंदा करते हैं। मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, वाल्मीकि वीर सेना का सहयोगी, आज तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बहन मनीषा जी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए, और जो ये डीएम जिसने उनके साथ बदतमीजी की, मनीषा जी के ताऊ के छाती पर लात मारी, हम उसको बतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक डीएम सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट नहीं हो जाता, जब तक ये मुहिम दिल्ली में चलती रहेगी, और हमें दिल्ली से सैलाब बनकर हमें हाथरस की ओर कूच करना पड़ेगा। जब तक हम हाथरस नहीं पहुंचेंगे, ये मुहिम चलता रहेगा, हजारों की संख्या में चलता रहेगा, अब दिल्ली में मुहिम चलती रहेगी। लाइक शेयर एंड कमेंट
टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।